नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। साथियों, सबसे बड़ी खबर जो है आज की, वो ये है कि लोगों का कहना है कि राजेंद्र पाल गौतम अब कांग्रेस पार्टी में जब ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तब क्या वो कहेंगे कि आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने नहीं बल्कि गांधी और नेहरू के मर्जी से हुआ था। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया था कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राजीव गांधी जी के द्वारा और गांधी जी के द्वारा संविधान में लाया गया था, तो क्या अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरह राजेंद्र पाल गौतम भी कहेंगे? ये सबसे बड़ी खबर है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि राजेंद्र पाल गौतम जी अब जो है भगवान बुद्ध को भी धोखा दे चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और अगर खबरों के हेडलाइंस के बारे में बातचीत करें तो एक खबर और निकल कर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हरियाणा से हुड्डा साहब ने कहा है कि अखिलेश यादव का कोई जनाधार नहीं है, अखिलेश यादव फर्जी हैं, अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में ही खाली वर्चस्व है, हरियाणा बाकी और कई स्टेटों में उनका शून्य पर वोट बैंक है, इसीलिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कभी भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। इस बेइज्जती को देख करके मेरा भी दिल भर आया, आंख रोने को आई, ऐसा तमाम लोगों का कहना है जिन लोगों ने कमेंट किया था। साथियों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा ये बयान है कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार यहाँ पर नहीं है हरियाणा में, और अकेले चुनाव लड़ेंगे हम हरियाणा में, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी का अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया है कि चुनाव वहां पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव ने कहा कि चिरकुट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव ने कहा था, ये सबसे बड़ी खबर साथियों। और दूसरी खबर आपको बता दें कि भारत के इतिहास में सिर्फ दो ही नेता हुए हैं जिन्होंने अपने दलितों के स्वाभिमान के लिए, अपने पिछड़ों के स्वाभिमान के लिए संसद भवन से इस्तीफा दिया है। वो दो नेताओं का नाम है, एक मायावती जी और दूसरा हम सब के भगवान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सदन में इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू कोर्ट बिल लागू नहीं होने दे रहे थे और बाबा साहेब इसका खुला विरोध कर रहे थे, और मायावती जी ने कहा था कि अगर मेरे समाज के बारे में मैं सदन में नहीं बोल सकती हूँ तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए मायावती जी ने भी इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब ने कहा हिंदू कोर्ट बिल पर इस्तीफा दिया था, और मायावती जी ने कहा कि यदि हमारी आवाज दबाई जाएगी और हम जिस समाज से आती हैं उस समाज की बातें यदि सदन में नहीं रख पाऊंगी तो मैं इस सदन में रहने का कोई मतलब नहीं समझती हूँ। आपको बता दें कि समाज की आवाज उठाना और समाज के लिए हीरो बनना और समाज के लिए नेता बनना दोनों अलग अलग मतलब हैं। समाज के लिए हीरो नायक और महापुरुष बहन जी हैं। अब आप लोग बताइएगा कि समाज का नेता कौन है? ये सबसे बड़ी खबर है। चंद्रशेखर ने भी कह दिया कि मायावती जी हमारी आदरणीय हैं, महापुरुष हैं। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि लगातार कई लोग आपको इस वीडियो में बता भी देंगे कि कांग्रेस पार्टी में कितने दलित नेता शामिल हैं जो बड़े पद पर हैं, और आजकल फिर नेताओं का किरण जो चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो जाएं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि इसीलिए बहन जी ने सदन से इस्तीफा दिया था। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में बोलबाला है। इस बात को हम आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं जिस वीडियो में बहन जी ने इस्तीफा दिया था। ठीक नहीं है ये, 3 मिनट हो गया, अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है, ये ऐसे कैसे हो जाएगा? ये मुझे बोलने नहीं दोगे? इस्तीफा देती हूँ। सो मेनी नेम्स, बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई सो मेनी लुके यार, यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म यू कैन आस्क फॉर अ डिस्कशन व्हाट डू यू वांट, मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। तो
तो आप लोग देख सकते हैं बहन जी का तेवर किस तरह से बहन जी सदन से इस्तीफा देकर और निकल जाती हैं, क्योंकि बहन जी का साफ साफ कहना है कि अगर इस सदन में मैं अपने समाज की आवाज को ना बुलंद कर पाऊं, ना उठा पाऊं, तो इस सदन में रहने का मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो सदन से इसीलिए बहन जी ने इस्तीफा दिया था। अब आपको बताते हैं गाजियाबाद से बड़ी खबर है। गाजियाबाद में एक सड़क हाईवे पर दो वाल्मीकि समाज के युवाओं की दुर्घटना, सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसको लेकर के जो पीड़ित परिवार हैं वो रोड जाम कर चुके थे, अंबेडकर रोड जो है वो जाम कर दिया था। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने भी जो है वहां पर घेराबंदी कर लिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम और बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी गाजियाबाद सदर से रवि गौतम तत्काल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सड़क पर, और पुलिस वालों से और शासन प्रशासन सरकार से भी उन परिवार के लिए एक एक नौकरी और तत्काल 24 घंटे के अंदर मुजरिम की गिरफ्तारी की मांग किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो बहुजन समाज पार्टी के ये जो रवि गौतम जी हैं, लगातार दलित पिछड़े आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये काफी बड़ी बात है। और आपको बता दें कि इनकी बड़ी मांग ये भी थी कि परिवार में एक सरकारी नौकरी मिल जाए, 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार हो जाए। साथ में रवि गौतम जी का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी या युवा शक्ति दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हर उस जगह पहुंचेंगे जहां पर दलित पिछड़े आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। तो ये सबसे आज की बड़ी खबर है। कुछ खबरें और आज आपको बताएंगे जिसे आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो साथियों, वाल्मीकि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं, हर समाज में पाए जाते हैं ऐसे लोग जो दलितों में वोट डालने की बात कर रहे हैं। जैसे अभी उपवर्गीकरण का मामला आया तो दलितों के पद वाल्मीकि समाज को उकसा दिया गया था कि वो तुम्हारे हक आरक्षण को रोकने की बात कर रहे हैं। दरअसल बहन जी ने तब भी आरक्षण को पूरी तरीके से बचाने के लिए ही सरकार से भिड़ी थी, ना कि वाल्मीकि समाज से। वाल्मीकि समाज को लग रहा था कि आरक्षण अब हमारा दलित समाज खा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि क्रिमिलियर करके आपका भी आरक्षण खत्म करने की साजिश सरकार बना रही थी। इसी चीज को लेकर के बहन जी ने सड़कों पर प्रोटेस्ट करवाया और अपना खुद सरकार से ट्विटर के माध्यम से और तमाम तरीकों के माध्यम से सरकार से जवाब तलब किया। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। आपको बता दें आज की वो खबर जो मुस्लिम समाज पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस को अपना ऊंट दे रहा है, अपना ऊंट पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार देते आया है, लेकिन आज भी मुसलमानों के ऊपर अगर अत्याचार हो जाए तो कांग्रेस पार्टी एक आवाज नहीं उठाती है, एक आवाज। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो वो तो सिर्फ ऑटों की राजनीति करते हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है, लगातार वहां पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी बोलती है। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों की इतना ही हितैषी थी तो हरियाणा राज्य में मस्जिदों इबादतगाहों पर लगातार हमले हुए हैं, मुसलमानों पर लगातार हमले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने एक आवाज नहीं निकाला है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। ये इमरान शकील जी ने लिखा था। अब आपको बताते हैं कि पांचवी सबसे बड़ी खबर क्या है। कांग्रेस पार्टी में कई दलित नेता शामिल हैं, तो क्या वो अम्बेडकर साहब के बदौलत हैं उस पार्टी में, या फिर वो गांधी के बदौलत हैं? आप लोग जरूर बताइएगा। उदित राज, मल्लिकार्जुन खड़गे, शैलजा कुमारी और राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र पाल गौतम अभी अभी जो है कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग लिए हैं। और आपको बड़ी खबर ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी में जो भी शामिल होता है अम्बेडकरवादी विचारधारा छोड़ देता है, वहां से शुरू होती है उसकी गांधीवादी विचारधारा। और गांधीवादी विचारधारा ये कहती है कि जो आज का एससी समाज है वो एससी नहीं, वो हरिजन है। गांधीवादी विचारधारा ये कहती है कि दलितों का आरक्षण खत्म हो। गांधीवादी विचारधारा ये कहती है कि उसको जो सफाई करता हो, उसको जो गांव में चमार हो, उसको जो पासी समाज हो, उसको अपने बराबर नहीं बैठाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बैठे हैं उनके बराबर, वो अम्बेडकर साहब की ही देन है। और आपको बड़ी खबर ये बता दें कि ये चारों बड़े नेता, इनको लगता है कि आजादी कांग्रेस ने दिलवाई, लेकिन इन्हें शायद ये पता नहीं कि जिस दिन भारतीय संविधान, बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, संशोधन कर दिया जाएगा, उस दिन इनकी औकात शून्य हो जाएगी। खैर, आज आप सबके लिए एक सबसे बड़ा सवाल है, प्लीज आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ये मेरा खुद का सवाल है कि बाबा साहब के विचारों पर कौन चल रहा है। मायावती जी,
या मल्लिकार्जुन खड़गे या चंद्रशेखर आजाद जी। आप लोगों के जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा, उसी के हिसाब से आगे वीडियो कैसी आनी है ये भी मैं बनाऊंगा। प्लीज आप लोग अपना जवाब दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कई अन्य लोगों में भी शेयर कीजिएगा ताकि बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी की तमाम खबरें सब लोगों तक पहुंच सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।